हमारे यहाँ बेवा को भी इज्जत है लेकिन तलाक याफ्ता को इज्जत नहीं है। मैं जब ये स्टार्ट कर रही थी तब आई फेल्ट के मेरी अम्मा थोड़ा हेजिटेट हो रही हैं बाहर निकलने से। वो यूट्यूब पे सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, वो शायद इस वजह से भी परेशान थी कि लोग अजीब से कमेंट्स करेंगे। तुम्हारे आसपास के लोगों का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। नेगेटिविटी, नेगेटिव कमेंट्स हमें रोज के बेसिस पे मिलते रहते हैं। हमें हर कोई बताता रहता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, हमें अपनी लाइफ में कैसे रहना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कैसे करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कैसे बोलना चाहिए, हमें फिजिकली कैसा दिखना चाहिए और हमें जिंदगी में करना क्या है। एवरी वन हैज़ देयर ओपिनियन और वो हम पर थोपना चाहते हैं कि हम जैसा वो चाहते हैं हम वैसा रहें। आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सरोबा खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव कमेंट्स वी यूज टू टेक ऑन डेली बेसिस। हमें रोज के बेसिस पर और आफ्टर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म मुझे बहुत सी नेगेटिविटी देखने को मिलती है। और फिर मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा थ्रू Q&A के, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को रोज के बेसिस पे क्या सुनने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली हैविंग सो मेनी लेडीज एंड पीपल देयर एज अ डिवोर्स्ड, तो मुझे बहुत सी चीज़ें उसी से रिलेटेड सुनने को मिली। लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें जो अनमैरिड लड़कियां सुनती हैं, जो जिनकी शादियां नहीं हुई होती हैं वो अलग चीज़ें सुन रही होती हैं, जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं वो अलग चीज़ें सुन रही होती हैं, जिनके बच्चे नहीं हुए होते वो अलग चीज़ें सुन रहे होते हैं, जिनके बच्चे हो गए होते हैं वो अलग चीज़ें सुन रहे होते हैं। ओके, समवन हैज़ टेक्स्टेड मी, हाई, आई हैव बीन बुलीड इन माई फैमिली एंड स्कूल फॉर माई फेस एंड अपियरेंस, दैट मेड मी सो शाई। फेस के ऊपर बात करना, जैसे हमेशा से मैं सुनती हुई आ रही थी और बहुत मजाक में सुनती हुई आ रही थी ना, फन वे सुनती हुई आ रही थी, मोटी नाक और पकौड़ा नाक और ये सब कुछ, ये मेरी फैमिली में था, नॉट इन माई स्कूल, नथिंग एल्स एनी वेयर, कहीं पर भी और कहीं पर मैं नहीं सुनती थी। सो आई हैव टेकन दिस एज ठीक है, हाँ मेरी मोटी नाक है, मेरी मोटी नाक है। अच्छा, एज सच मुझे कोई उस चीज़ ने अफेक्ट नहीं किया क्योंकि बहुत फन वे में और वही जो आपकी आपस में ऐसी बात हो रही होती है कि इस तरह से, वो वैसा वाला नहीं था कि टॉन्ट करने वाला था और वो सब कुछ वैसा वाला नहीं था, बट ऐसा था। तो कभी उस चीज़ को उस दिमाग में लेकर बैठी नहीं और एक चीज़ अपने अंदर बिठा ली। आई स्टार्टेड हैविंग एक्नी अचानक से थोड़े टाइम के लिए, फिर जो है वो ख़त्म हो गई, फिर जो है वो मैं कनाडा गई तो हद से ज़्यादा एक्नी स्टार्ट हो गई और यहाँ तक कि बैकनी भी स्टार्ट हो गई और फेस पर भी थी। लेकिन आई हैड नो कंसर्न्स कि ठीक है जो है वो है, कोई मसला नहीं है, इस तरह से लाइफ हो सकती है। मैं आपको सीधा एक बात, इस चीज़ को डील कैसे करना है, अगर आपको कोई भी आपकी फैमिली में इस तरह से बोलता है ना, जस्ट से इट, जस्ट से विद फुल कॉन्फिडेंस, चाहे उस पर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, जस्ट से मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे, आई फील क्यूट दिस वे। जैसे अगर मुझे आप कोई नाक पे बोले तो मैं उसको आगे से जवाब दूंगी, आई फील क्यूट दिस वे। और जहां तुम ये जवाब दे दोगे कि मुझे अपने ऊपर अच्छा लगता है, मुझे अपने ऊपर क्यूट लगता है, ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है, ये मैं ऐसी अच्छी हूँ, तुम्हें फील होगा कि उनका सब कुछ शिफ्ट हो गया, उनका दिमाग अपनी जगह पे आ गया एक तो ऊपर से फिर उसका उनका उनकी टोन शिफ्ट हो गई, उनकी उनका लहजा शिफ्ट हो गया तुम्हारे साथ, उन्होंने उसके बाद तुम्हें उस तरह से बोलना बोलने का सोचने का भी इरादा खत्म कर दिया होगा कि वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि वो तुम्हें इस तरह से अब कभी बोलेंगे। ट्राई इट विथ फुल कॉन्फिडेंस, से इट ऑन देयर फेस कि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, इट सूट्स मी, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। अगर कोई तुम्हें फैट शेम कर रहा है तुम्हारे वेट को लेकर, ये वो, हाँ तो जब कोई ज़रूरत होगी तो दुबले भी हो जाएंगे, वी कैन कंट्रोल, हम कर लेंगे कंट्रोल, अल्लाह कर देगा, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला वैसा कर देगा। देखो अपने अंदर ना, जहाँ तुमने ये वाला एक चीज़ बिठा ली कॉन्फिडेंस, आई एम टेलिंग यू दिस विद फुल कॉन्फिडेंस के कोई भी तुम्हें नहीं हिला सकता, कोई भी। तुम्हारा ट्रस्ट सिर्फ ये होना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ना इसको चुप करवाना है, तुम्हें उसको भूलना नहीं है, तुम भूल नहीं सकते उसको, तुम्हें वो तकलीफ दे रहा है फॉर अ टाइम, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मोमेंट वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, लेकिन तुम उसको, मैं भूलने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ उसको आगे के लिए चुप करवाना है, उसको बोलते नहीं रहने देना है कि ठीक है अब तुमने बोल दिया तो तुम जिंदगी भर मुझे इस तरह से बोल सकते हो। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस। हाँ मैं तुम्हें अभी चुप करवा दूंगी और वो करवाऊंगी अपने कॉन्फिडेंस से। मैं अभी रिसेंटली शादी में गई और मेरी बहन की नंद की शादी थी और वहाँ पर बहुत से लोग, उसकी क्लोज रिलेटिव मुझे आकर अगर ये बोल रहे हैं कि हम आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा और ये वो, तो मैं आगे से ये नहीं बोलूंगी, अगर मैं उस वक्त बोलती अच्छा आपको अच्छा लगा, अच्छा बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, या ये क्या मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, या कुछ भी, चलें ठीक है
अगर आपको दुआ है, आपके लिए कोई दुआ है, वो आपके दिल से निकलेगी, मुझे मालूम है। मैं अगर उस वक्त आपके सामने बेचारी बन जाती और तब मैं ये फील करवाती आपको कि मुझे अपनी सिचुएशन के लेकर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस हूँ, बहुत होपलेस हूँ, तो आप लोग मुझे फिर उसी तरह ट्रीट करते। लेकिन आगे से मुझे उन लोगों ने अच्छा क्यों ट्रीट किया, बिकॉज दे वर सीइंग मी कॉन्फिडेंट इन द होल इवेंट। मैं कहीं पर फील हो ही नहीं रहा था मुझे कि कुछ है, कुछ कमी है, या कोई कमी रह गई है, मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे बच्चों के साथ कोई है नहीं, इस तरह का कुछ नहीं फील करवाना है। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो वहाँ पर आकर आपको सबको सब आपको जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, वहाँ सब आकर आपको जो है वो बताएंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत सही कर रहे हो, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, इस तरह से। तो मुझे एक बात समझ में आई है, दिस कॉन्फिडेंस इज ऑल वी नीड, कि हमें बस कॉन्फिडेंस से जवाब देना आना चाहिए। मैं अगर कहीं से एक बात सुन लूँ, मैं आप कोई वीडियोस जो है वो डिवोर्स पे बना रही हूँ, तो लोग मेरे पास आकर कहते हैं आप कोई पॉजिटिव वीडियोस नहीं बना सकती हैं, आप जो है वो लोगों को डिवोर्स 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 दिखा रही हैं, आप कुछ अच्छा नहीं दिखा सकती। भाई मैं जब कुछ अच्छा दिखाती हूँ और मैं जब लड़कियों को बताना शुरू करती हूँ कि जो है वो आपको घर बसाने के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना, तब आप मुझे आगे से बोलते हो ये डिवोर्सी होकर क्या बताएगी, ये डिवोर्सी होकर क्या हमें समझाने की कोशिश कर रही है, ये तो जो है खुद अपना घर नहीं बसा पाई, ये वाली चीज़, ठीक है। और दूसरा बात, जब मैं वो चीज़ करी तब भी आपको प्रॉब्लम है, जब मैं वो चीज़ करूँगी तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे फिर आ जाती है कुछ और चीज़ें। अब अगर आपको ड्रेसिंग आपको जो है वो ड्रेसिंग वाइज आप दूसरों को कमेंट कर सकते हो, अब आपको मुझ पर कुछ नहीं नज़र, आपको ये नज़र आया कि मैं फुली हेड कवर नहीं कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ इस्लाम की या मैं कुरान की या मैं किसी और चीज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं किस तरह से करूँ। मैं एक बात जानती हूँ, कुछ मामले ना मेरे और अल्लाह के दरमियान है, ठीक है, मैं जानती हूँ और अल्लाह जानते हैं, मैं नियत कर जानती हूँ अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है मैं अल्लाह से क्या दुआएं मांग रही हूँ उस हवाले से। तो ये मामला मेरे और अल्लाह के दरमियान छोड़ दे, मुझे उसको जवाब देना है, ठीक है। आप लोगों का कंसर्न बिल्कुल सही है, आई अप्रिशिएट वॉट यू आर सेइंग, बट तरीका तरीका मैटर्स, द वे यू आर सेइंग इट मैटर्स। मुझे अभी लास्ट वीडियो पे बहुत प्यार से किसी ने कहा कि बेटा अगर ये काम भी कर लोगी तो अच्छा हो जाएगा, और मैंने उस दिन भी बहुत अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला मुझे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं शादियों में गई, मैं कहीं भी गई, मैं किसी को भी हिजाब में देख लेती हूँ, एंड आई कीप आस्किंग देम कि मुझे बता दें आप अंडर कैप के लिए क्या यूज़ करती हैं, मुझे माइग्रेन का बहुत शदीद प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया मुझसे नहीं हो पा रहा है, एंड दे टोल्ड मी रियली गुड अल्टरनेटिव्स, और फिर मैं अब उस पर काम कर रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला उसको अपनी लाइफ में ले आऊँ। लेकिन तब तक जब तक मैं अपने आप में, अब अगर मैं एक चीज़ स्टार्ट कर दूं और फिर मैं उसको खोल दूं कि मुझसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, अब तब यकीन नहीं करोगे। मैं चाहती हूँ मैं एक चीज़ स्टार्ट करूं तो फिर मैं उसको एक तरीके से स्टार्ट, मैं उसको रोकूं नहीं, मैं ख़त्म ना करूं, मैं उसको, मैं उस पात से हटूं नहीं, मैं उसको लेकर चलूं। एक लड़की ने मुझे बहुत, उसने लिखा था मुझे, ये बोला कि बहुत आउट लड़की थी, इसका तो घर बस ही नहीं सकता था, बेटी भी आवारा, माँ भी आवारा, और इस तरह की बहुत सी बातें, ये तो अपना घर ही नहीं बसा पाई। मैं, आप लोग एक बात समझ लें, जब हमारे, हम जो एशियन लड़कियां हैं, हमें साउथ एशियन लड़कियां हैं, तो हम लोगों के अंदर ना ये बिल्ट इन है, ये दिमाग में हमारे बचपन से डाला जाता है कि शादी हो गई घर बसाना है, शादी हो गई घर चलाना है, शादी हो गई वहीं पर रहना है, हमेशा उस आदमी का साथ देना है, उस आदमी को सब कुछ समझना है। हमारे अंदर ये था, मेरे अंदर ये था, हम बहुत चाहते हैं, हम हर तरह की कोशिश करते हैं, हम हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चीज़ें जब नहीं होनी होती वो नहीं होती। और मैंने एक बहुत अच्छी रील मुझे सब ने भेजी और सब ने मुझे कहा, सर वही बात तो तुम पहले से कर रही हो, कि उस लड़की, एक लड़की ने कहा हुआ है कि ये कोई परमिजिबल चीज़ है, डिवोर्स इज परमिजिबल, डिवोर्स इज नॉट हराम, डिवोर्स इज नॉट लाइक अ थिंग कि हो नहीं सकता और अगर नाम ले लिया तो बस कहर टूटेगा। एक ये चीज़ है जिसकी इजाज़त है इस्लाम में, ठीक है, डिवोर्स इज़ अ थिंग जो परमिजिबल है, जिसकी इजाज़त है, जो कि हराम नहीं है, जो कि करने से मना नहीं की गई। अगर ऐसी बात होती, मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह ताला इस मौजू पर पूरी सूरह उतारता, इस मौजू पर पूरी सूरह नाजिल होती, सूरह तलाक। अगर उसको कभी पढ़ लें तो अंदाज़ा हो कि ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दो लोगों की ना बने, ऐसा हो सकता है दो लोगों को आपस में रहने के बाद समझ में आए कि वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है, एंड इट्स टोटली ओके, एंड इट्स टोटली ओके टू टॉक अबाउट इट। बहुत ज़्यादा अगर एक चीज़ बढ़ रही है जो कि नापसंद की गई है, बिल्कुल नापसंद की गई है, लेकिन अगर बढ़ रही है तो भाई बात भी तो होगी ना। और मेरा डिवोर्स बोल देने से मेरे डिवोर्स रेशो को नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से डिवोर्स रेशो नहीं बढ़ जाता, उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो लड़कियां, जो लोग इसको, इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते। डिवोर्स सिर्फ औरत की होती है, मर्द की नहीं होती, तलाक सिर्फ औरत की होती है, क्योंकि उसको पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना पड़ता है,
अच्छा वो तो रह रही है, फिर उसके साथ बच्चे भी हैं, तो फिर वो क्यों सफर करें? अच्छा वो भी सफर करें, बच्चे भी सफर करें, यानी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए क्योंकि दो लोगों की आपस में बन नहीं पाए। आप इस बात को समझो, आप इस बात को तस्लीम करो कि दिस इज ओके, ठीक है, और अगर मैं हेल्प कर रही हूँ, मैं किसी को इस चीज से निकलने में हेल्प कर रही हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक दिस रेशियो गो अप, ठीक है, कि मैं नहीं चाहती कि ये रेशो बढ़े, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई इसमें फंसा ना रहे, कोई अपनी जिंदगी जीना ना छोड़ दे। हमारे यहाँ बेवा को भी इज्जत है, लेकिन तलाक याफ्ता को इज्जत नहीं है। और अगर कोई इसके हवाले से कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, देखो मैं एक बात बताऊंगी, ये आपका बहुत मुश्किल वक्त है, ये इंतहाई मुश्किल वक्त है, और ये समझने वाली बात है कि एक लॉस आपको डेथ लॉस समझ में आ जाता है, आपको ये लॉस इसलिए हर किसी को समझ नहीं आता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर किसी के साथ ये मामला नहीं हुए हुए, ठीक है, तो हर किसी को ये समझ में नहीं आता। तो एक बात इसको तस्लीम कर लो कि दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। एक इस बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, अभी उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसको वो आगे इस चीज़ को ना बढ़ाए, इस चीज़ को आगे ना बोले, किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि मैं उस रिश्ते में कितनी सही थी, मैंने उस रिश्ते के लिए क्या क्या किया। बोलते हुए अक्सर रोना आ जाता है, कंट्रोल योर सेल्फ, मुझे भी बहुत आ जाता था जब मैं कुछ किसी के अपने बारे में कुछ बता रही होती थी, अपनी नीयत बता रही होती थी, मुझे अक्सर रोना आ जाता था, लेकिन नाउ आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ कि नहीं चलो भाई, इसका कोई फायदा ही नहीं है। और दूसरा ये कि दूसरे को अपनी बात पहुंचानी कैसे, देखो लहजा, एक तो उसने तुम्हें किस लहजे में ये बात बोली, तुम घर बसाने के काबिल ही नहीं थी, तुम्हारी कोई लड़ाई हुई आपस में घर में, तुम अपने घर में बैठी हुई हो, किसी से तुम्हारी लड़ाई हुई और उसने तुम्हें आगे से, मुझे ये भी बहुत लोगों ने कहा है, हमें आगे से टॉन्ट मिल जाता है इसीलिए तो तुम्हारा घर नहीं बसा, तुम्हारा ये हाल है। तो अगर तुम्हें कोई ये करीबी रिश्तेदार बोल रहा है, तुम्हारे माँ बाप वालदैन भी अक्सर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं, तो अगर आपको आपके माँ बाप बोल रहे हैं तो मैं आपको ये सीधा सीधा बोलूँगी, माँ बाप के साथ आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिसमें आप चीज़ें छुपाओ, उनको हर चीज़ मालूम है, उनको हर चीज़ आपकी पता है, उनको आपकी आदत पता है, सब कुछ पता है, उनको तो आराम से बैठ कर आप ये समझा दो, मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, मैं चाहूँगी आइंदा आप इस बारे में दोबारा इस तरह बात ना करें, मुझे ये चीज़ ने बहुत हर्ट किया, लाइक इन क्लियर वर्ड्स, रोना आए कुछ भी आए तुम बोलो, जिस तरह भी बोलना है बोलो, बगैर गुस्सा किए, बदतमीजी किए, तुम्हें अपना पॉइंट पहुंचाना है उन तक पहुंचाओ, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ बुरी लग रही है, तुम्हें ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। रिश्तेदारों में अगर ये कोई बात करता है, सीधा सीधा मैं तुम्हें एक बात कहूंगी, मुस्कुराते हुए ये जवाब दो, ये तो इंशाल्लाह ताला वक्त बता ही देगा कौन सही था कौन गलत था, ये तो वक्त बता ही देगा कि मैं कितना इन्वेस्टेड थी और क्या क्या था, ये तो वक्त बताएगा जरूर कि क्या मसले मसाए हुए थे उस रिलेशनशिप में। अभी मैं चुप हूं, सबर से हूं, क्योंकि ये जवाब दो, अभी मैं चुप हूं, मैं सबर कर रही हूं। अगर किसी को तुम्हारी बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। तुम्हें देखो मैं बार बार कहती हूँ, बहुत अच्छा टाइम है ही हमारा, बहुत अच्छा टाइम है, हमें पता चल रहा है कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है, इससे बेहतरीन टाइम अल्लाह ताला हमें बता ही नहीं सकता था। इस टाइम पे हमें पता चल जाता है कौन हमारा है, हमारे साथ है, और कौन हमारे साथ नहीं था कभी भी ना है अभी भी। तो इन चीज़ों को समझो, ठीक है, और सीधा सीधा एक जवाब, मैं बहुत सब्र करके बैठी हूँ इसलिए मैं अभी आपकी बात का जवाब नहीं दूंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको वक्त ज़रूर बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत था, ये तो सामने ज़रूर आएगा, अभी नहीं तो इस ज़िंदगी के बाद अल्लाह ताला ज़रूर बताएंगे। तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई बात करता है कि तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब था, तुम ही जो है वो बहुत आउट लड़की थी, तुम्हारे ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब थे, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं था, यकीन करो और ऐसा कुछ भी नहीं था, तो जो जो अल्फाज किसी ने तुम्हारे लिए बोले हैं, तो वो इस अल्लाह ताला, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने अगर किसी के बारे में गलत बोला है, एंड आई रियलाइज इट कि मैंने बगैर जाने किसी की स्टोरी के बारे में कमेंट कर दिया, मैंने बगैर किसी की जाने के उसके साथ हुआ क्या है उस पर कमेंट कर दिया, एग्जैक्टली वैसा मेरे साथ हुआ। लाइक मैं आपको सीधी सीधी एक बात बताती हूँ, आपको पता है एक लेडीज ग्रुप है बहुत ज्यादा फेसबुक पे फेमस, और वहां पर बहुत से जो है वो कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सी चीजें होती रहती हैं डिवोर्स से रिलेटेड, बहुत सी पोस्ट आती रहती हैं, और मैंने एक दफा वहीं पर पढ़कर बोला था, क्या हो गया लड़कियों में, क्या बर्दाश्त नहीं है, लड़कियां क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या हाल है आजकल लड़कियों का, जरा से भी बर्दाश्त नहीं है। एंड आई वॉज टॉकिंग दिस विद माई एक्स हस्बैंड, मैं ये उन्हीं से बात कर रही थी, और मैंने उस वक्त सुना था लाहौर में 500 जो है वो केसेस आ गए हैं डिवोर्स के विद इन अ डे, और मैंने ये बात की थी, और जब मेरी डिवोर्स हुई एग्जैक्ट एट दैट मोमेंट मेरे जहन में ये आया, सरवा तुमने किसी को ये कमेंट किया था, किसी की पोस्ट पढ़ने के बाद तुम्हारे जहन में ये चीज़ आई थी, एंड आज यू आर फेसिंग द सेम, और आज शायद तुम्हारे बारे में कोई ये सोच रहा होगा, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी थोड़ा और।
तो याद रखो कि अगर कोई किसी के बारे में गलत, बेजा, नाजायज कमेंट्स करता है तो वो इसी दुनिया में देखेगा वो सिचुएशन, इसी दुनिया में, इसी जगह पे वो सिचुएशन वो जरूर फेस करेगा। बहुत से लोग बोलते हैं डिवोर्सीज ऐसी होती हैं, डिवोर्सीज ऐसे बस मीडिया पर आ जाती हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। डिवोर्सीज ऐसी नहीं होती हैं, डिवोर्सीज तो बहुत बुरे हाल में हो रही थी, लेकिन डिवोर्सीज ऐसी रहेंगी नहीं अब। डिवोर्सीज हैं, कोई अल्लाह माफ करे, कोई लानत नहीं हो गई है, कोई कंटेजियस बीमारी नहीं हो गई है, ठीक है ना। डिवोर्सी होना ऐसा नहीं है कि वो फिर कमरे में बंद हो जाएगी, वो बात करेगी, वो बोलेगी, वो जिंदगी को जिएगी, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। आप लोगों का किसी का शौहर मर जाता है आप लोगों के लिए इज्जत बन जाती है उसके लिए, लेकिन किसी की तलाक हो गई है तो आपके लिए उसकी इज्जत खत्म हो गई। क्यों भाई? बींग इंडिपेंडेंट एंड पॉजिटिव एंड सिंगल, लड़की हाथ से निकल गई है। इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में और आपको लग रहा है इतना रेशो बढ़ गया है क्योंकि लड़कियों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि लड़कियां समझ गई हैं कि लड़कियां जो है वो डोरमैट नहीं है। जो भी ये समझते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त कैसे होनी चाहिए? तो इस्लाम में भी मना है जुल्म बर्दाश्त करना, तो इस्लाम में भी मना है। अगर कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपको जलील कर रहा है, ये जुल्म है। जुल्म बर्दाश्त करना भी तो मना है। लड़कियां इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती, जैसे मैंने शादी से पहले कोई जॉब नहीं की थी, आउटडोर जॉब नहीं की थी, तो मुझे नहीं अंदाजा दुनिया को फेस करने का, तो मेरे लिए बहुत मसला था, वो मेरे लिए बहुत मसले वाली बात थी ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह ने मदद कर दी। लेकिन बहुत सी लड़कियां इसी वजह से वो प्रॉब्लम फेस किए जा रही हैं आफ्टर डिवोर्स भी, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं है कि लाइफ को लेकर कैसे जाना है आगे। इंडिपेंडेंट होना, खुद मुख्तार होना कोई बुराई नहीं है। हमारे इस्लाम में कितनी मिसालें, कितनी औरतें इंडिपेंडेंट थी। बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में और वो करनी होती हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग इस बात को समझें, और इस्लाम को अगर आप लोगों ने एक तरफ से पढ़ा है तो फिर हर तरफ से पढ़े ना। अल्लाह ताला ने औरतों और मर्दों के बहुत से हुकूक रखे हैं, उसमें इंडिपेंडेंसी का कहीं पे भी नहीं है कि औरत को इंडिपेंडेंट ना होने दो, क्योंकि वो हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, वो मेंटेलिटी भी गलत है कि मुझे अब जरूरत नहीं है मर्द की, मुझे अब जरूरत नहीं है किसी चीज की, मुझे अब किसी, वो मेंटेलिटी भी मैं कहती हूँ वो मेंटेलिटी कोई सही नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम, हाँ, अगर मुझ पर कभी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई बुरा वक्त आया तो मैं जो है वो कुछ कर सकूंगी। पहले जमाने में कहा जाता था पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छी जगह शादी हो जाए। क्यों पढ़ाते थे? ताकि खुदा ना खासा बुरा वक्त आए तो कुछ कर सको ना। लेकिन जब खुदा ना खासा उन्हीं लड़कियों पे बुरा वक्त आता है तो उनको कुछ नॉलेज ही नहीं होती कि उनको करना कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं होती बाहर की दुनिया। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में भी वैन छोड़ने जाती है, वैन लेने आती है, ड्राइवर छोड़ने जाता है, ड्राइवर लेने आता है, इतनी डिपेंडेंसी है। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने जॉब करवाते, उनको जॉब करवाते, वो कन्वेंस खुद हैंडल कर रही होती, वो अपने आने जाने की चीज़ें खुद हैंडल कर रही होती, वो हर चीज़ अपने फैसले खुद ले रही होती, उनको उनके अंदर वो इंडिपेंडेंसी की कमी रह गई। पढ़ी लिखी लड़कियों में भी इंडिपेंडेंसी की कमी रह गई। जब आप छोड़ते हो ना लड़कियों को कि हाँ जाओ खुद अपनी लाइफ देखो, अब खुद जियो, वो होती है इंडिपेंडेंट लड़कियां। मेरे अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस ना आया होता, मेरे अब्बा ने मुझ पे भरोसा करके मुझे प्रेगनेंसी के दौरान कनाडा अकेला ना भेजा होता, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस ना होता। वो 6 महीने ने जितना मुझे सिखाया ना, वो मेरी पूरी जिंदगी में मैं कुछ नहीं सीख सकी जो उन 6 महीनों ने मुझे सिखा दिया। मुझे अपना आप देखना था, मुझे अपने बच्चे को देखना था, मुझे अपने सारे अखराजात देखने थे, मुझे अपने बच्चे के यहाँ तक के कपड़े भी खुद करने थे, अपने हॉस्पिटल भी देखना था, मुझे अपना खाना पीना सब कुछ खुद देखना था। उन 6 महीनों ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। तुम तो इतनी गोरी हो, तुम्हारा रंग तो इतना साफ है, बच्चे का रंग इतना काला कैसे हो गया? एक बात याद रखना मेरी, और ये माओ से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के मुतालिक ना कोई बात किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं सुनना। बच्चे देख रहे हैं तुम्हें कि तुम कैसा रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है? नो वन हैज़ अ राइट टू से एनी नेगेटिव थिंग अबाउट योर किड। ये मेरा एक रूल है, मेरे करीबी रिश्ते हैं सबको ये बात मालूम है। एंड द सेम थिंग गोज ऑन सोशल मीडिया। किसी ने मुझे कॉमेंट करके कहा कि तुम्हें क्या लगता है ब्रोकन फैमिली के बच्चे जो है वो बड़े आसानी से पल जाते हैं, उनकी जिंदगियों पे असर नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम ऑन दिस सोशल मीडिया सेट शट अप टू समवन, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। मेरी हद तक जो बोलना है बोलो, जितना बुरा बोल सकते हो बोलो, जैसा बोलना है बोलो। मेरे बच्चे को बोलोगे आई विल गिव यू अ शट अप कॉल फॉर श्योर।
बच्चों पर कोई बात आए, कोई भी कमेंट आए, नहीं बर्दाश्त करना, क्योंकि किसी का दिल दुखाया हुआ जाया थोड़ी जाता है, किसी का सबर जाया थोड़ी जाता है। ये एक बात याद रखना, किसी का सबर जाया नहीं जाता। अगर तुम उस वक्त चुप हो गए हो तो भी जाया नहीं जाएगा, और अगर तुमने उस वक्त उनको बोल दिया है कि मैं आइंदा ये नहीं सुनूंगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि तुम आगे नहीं सुनना चाहती। लेकिन जो दुखाया हुआ दिल है ना, वो दुखा हुआ दिल है, वो अल्लाह ताला उसका करेगा पूरा पूरा। मर्दों को तो 20 साल की लड़की भी मिल जाती है, तुम्हारा क्या होगा? अच्छा है, मिल जाती है, बहुत अच्छा है, मिल जाती है। मुझे पता है बहुत से मसले मसाइल हैं, पेरेंट्स के साथ भी, लड़कियों के साथ भी नहीं होती हैं शादियां, बहुत सी चीज़ों को देखते हैं तो हो जाती हैं, शादीशुदा की भी हो जाती हैं, बच्चों वालों की भी हो जाती हैं, उम्र वालों की भी हो जाती हैं, सबकी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह लड़कियों को खुश रखे, एक दूसरे के साथ सब खुश रहें। लेकिन मुझे एक्चुअली अब जो है ना, 20 साल का हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि आदमी मर्द इज्जत करने वाला हो, इज्जत देने वाला हो। ये जवाब इन सब बातों का बनता है कि तुम आगे से बोलो इज्जत करने वाला मर्द हो, मर्द असल मायने जो है ना मर्द के, वो उस पर पूरा उतरता हो, ख्याल करने वाला हो, एहसास करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो, वो मर्द हो। अब वो 20 साल का हो, 40 साल का हो, या 50 साल का हो, वो फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट टू मेक देम रियलाइज के हम नहीं सुनेंगे, अब हम नहीं सुनेंगे, अब तुम हमें कुछ भी नहीं बोल सकते, अब हम इतने इतने गए गुजरे, इतने कोई पड़े हुए नहीं है कि हम हर बात तुम्हारी सुन लेंगे और ले लेंगे, कोई के कोई मसला नहीं है, तुम बड़े हो। क्योंकि ये इज्जत तुम नहीं रख पा रहे हो अपने, कि तुम बड़े हो, तुम्हें इस तरह की बातें बच्चों से नहीं करनी चाहिए। तो बहुत पोलाइट वे में, बहुत तमीज़ से, बहुत मुस्कुराते हुए अपनी बात उन तक डिलीवर कर दो, अनटिल अनलेस वो ना चीख रहे चिल्ला रहे हो। बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये सोसाइटी है, तुमने मुझे हज़ारों क्वेश्चंस भेजे और हज़ारों क्वेश्चंस पे चीज़ें वही हैं और डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने बोली हुई हैं तुम लोगों को और हम लोगों को। तो बात ये है कि ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे। दो बच्चे कर लिए, इतना बर्दाश्त कर लिया, 6-7 साल निकाल लिए, 8 साल निकाल लिए, और अब आ रहा है इस बात का ख्याल कि इस हाल में भी खुश नहीं है। और अगर तुम जल्दी आ जाती तब तुम इनको ये होता थोड़ा और सफ़र कर लेती, बच्चे कर लेती, शायद चीज़ें बेहतर हो जाती। तो ये दोनों चीज़ों में तुम्हें जीने नहीं देंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक एम और एक मोटिव है कि तुम इस कीचड़ में से, इस तलाक की कीचड़ में से कभी निकल ही ना पाओ, तुम इसके ट्रॉमा में से निकल ही ना पाओ, तुम इसमें ही दबी रहो, इसी में अजियत में रहो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ सफ़र करें। तुम हंसती मुस्कुराती अच्छी नहीं लगती, क्यों? ये एक बेवा को भी बोल देते हैं कि तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी की तरफ आ जाना चाहिए, लेकिन ये तलाक याफ्ता को ये लफ्ज़ कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए पता नहीं क्या है, जैसे पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है, जैसे पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे साथ ऐसा हो गया। मैंने इतना अच्छा नुमान अली खान का एक लेक्चर पढ़ा, मैंने कहा औरत, उन्होंने कहा औरत है जज्बाती, और ये तो है अल्लाह ताला की तरफ से कि औरत है जज्बाती, उसकी इसीलिए गवाही भी आधी मानी गई है, और उसको है ही नहीं इतनी समझ। मर्दों की बर्दाश्त कहाँ चली गई है? मर्द बताऊँ तलाक क्यों देता है? मर्द तलाक इसलिए नहीं देता, आपकी और उसकी बन नहीं रही है, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। उसकी बर्दाश्त हुई नहीं अभी टेस्ट, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं था, अभी तो हमने ना जवाब दिए थे, अभी ना हमने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से तलाक तक बात पहुँच जाए, उसकी बर्दाश्त टेस्ट नहीं हुई। उसने बताओ आपको क्यों तलाक दिया? मैं खुला लेने से पहले इसको तलाक दे दूँ एक तो, ठीक है, दूसरी बात ये तलाक इसके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए सफरिंग बन जाए, इसकी सज़ा बन जाए, मैं इसको एज अ सज़ा तलाक देता हूँ। ये है मर्द की तलाक के पीछे आजकल जो वजह है वो ये है। स्टेज पर इस सब को देखते हुए मुझे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जब आपने इनको मुस्कुरा कर जवाब देना, इन अपनी ज़िंदगी को मुस्कुरा कर जीना, अपनी ज़िंदगी को शुक्र अदा करते हुए जीना शुरू कर दिया ना, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं मुस्कुराओ, खुद से मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक मुश्किल आई है। एक मुश्किल के अलावा जो तुम्हारे आसपास इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, तुम उनको निग्लेक्ट कर देते हो, उसके उस परेशानी के पीछे छोड़ देते हो। और मैं यही कहती हूँ कि परेशानी में शुक्र अदा करने का मतलब ये नहीं मैं उस परेशानी पे शुक्र अदा करूँ, शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे ये परेशानी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है अल्लाह ताला ने मुझे इसमें आजमाया, आप मुझे इससे आजमा रहे हैं, आपने मुझे आजमाए जाने के काबिल समझा, इसका शुक्र है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास बहुत सी ब्लेसिंग है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास रहने की जगह है, मेरे पास बहुत सी चीज़ें जिसके लिए मैं शुक्र अदा करूँ, मैं इसलिए शुक्र अदा कर रही हूँ। एक ये वाली बात, और दूसरी एक और बात ये, जहाँ तुमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ अब ये है चीज़, और तुम इस पर मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर सबको डील करने लगी, लोग चुप हो जाएंगे। तुमने जहाँ खुद आकर इन सब चीज़ों को बोल दिया, हाँ ऐसा है, ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, वहाँ लोग चुप हो जाएंगे।
मैं जब ये स्टार्ट कर रही थी तब आई फेल्ट के मेरी अम्मा थोड़ा हेजिटेट हो रही हैं बाहर निकलने से, बहुत ज़्यादा उनको ये हो रहा है कि वो अवॉइड करती है कि ना निकले ज़्यादा बाहर। मुझे एक रूटीन पता था, अब वो हट के रूटीन चल रहा है, तो आई आई कैन नोटिस इट कि ये ऐसा हो रहा है। और जाहिर है ना, उन्होंने मुझे आगे से कुछ बोला कि मैं परेशान ना हो जाऊँ, ना मैंने उनसे आगे से कुछ पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन मुझे फील हो रहा था। और जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही थी तब भी अम्मा की तरफ से था, ये करने से क्या होगा बेटा, ये करने से क्या होगा। आई वॉज लाइक, मम्मा मुझे करने दें, जो मैं कर रही हूँ मुझसे मत पूछा, अभी सवालात नहीं करें मुझसे प्लीज, अभी देखें अल्लाह ताला बेहतर करे, आप छोड़ दें उसको। लेकिन उनके एक सवाल होता था, ऐसा करने से होगा क्या, क्या मतलब करना चाह रही हो। मैं उनको नहीं समझा पाती थी। अब जब वो, मुझे एक बात पता है, वो यूट्यूब पे सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, वो शायद इस वजह से भी परेशान थी कि लोग अजीब से कमेंट्स करेंगे, अब अजीब बातें होंगी, ये होगा। अब वो यूट्यूब पे सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, एंड रिसेंटली उनके साथ ये हुआ कि वो किसी शॉप पर गई और एरिया के ही कोई एक है, वो भी काफ़ी अरसे से रहते हैं, तो उन्होंने अम्मा को बोला, अम्मा ने कहा बेटी बहुत अच्छा कर रही है यूट्यूब पर, बहुत अच्छा बोल रही है, बगैर देखे बोलती है, बहुत काबिल बच्ची है। और इस तरह से जब उन्होंने बोला, और अम्मा ने आगे से पूछा, आपने लाइक और सब्सक्राइब किया चैनल को? तो अम्मा ने ये बात आके मुझे, सबसे बड़ी बात मेरी ये थी कि अम्मा ने ये बात आके मुझे खुद बताई, और बहुत खुशी खुशी बताई, हंसते हुए बताई, और बहुत मज़े से बताया, बहुत। एंड आई कैन फील इट कि जब सरोबा तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगी, तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें अब इस चीज़ से तकलीफ़ नहीं हो रही है, तुम्हें इस बात, ये बात करने से तकलीफ़ नहीं हो रही है, तुम्हें इस पर बोलने से तकलीफ़ नहीं हो रही है, जब उन्होंने ये सब कुछ देख लिया, ये भी ठीक हो गए, तुम्हारे आसपास के लोग भी ठीक हो गए, वो भी तुम्हें जो है अब, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें जो है वो बहुत उससे ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो गया जो होना था, अब उनकी परेशानी, उनके शायद उनके शोल्डर पे से भी वो वाला परेशानी का बर्डन कम हो गया कि वो लोगों को अब इस तरह फेस कर पा रहे हैं। सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे आसपास के लोगों का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है, बाय हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर कैरिंग योर सिचुएशन राइट नाउ, तुमने अपनी सिचुएशन को कैसे आगे लेकर जा रही हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। सब कुछ, सबका बिहेवियर चेंज हो जाएगा व्हेन द स्माइल ऑन योर फेस कैन टेल एवरीवन कि कुछ नहीं हुआ है, मसला कोई बड़ा मसला नहीं है, अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे लिए काफी। दिस स्माइल शुड टेल एवरीवन दिस कि अल्लाह है मेरे साथ, अल्लाह देख रहा है मेरे मामला, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। हर किसी को हम हर कुछ नहीं बता सकते, जिसको पता होना चाहिए उसको सब मालूम है, यकीन करो उसको सब मालूम है, वो हर तकलीफ़ देखता है तुम्हारा, तन्हाई में तुम्हारा, अकेले में बहाया हुआ हर आंसू उसके पास नोट हो रहा है, तुम परेशान नहीं हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट अंडर दिस वीडियो, एंड या अल्लाह हाफिज़।